मुखौटा खिसक रहा है धीरे धीरे, मगर मासूम जनता इससे बेखबर है। आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। न्यूज चक्र में आज कई अहम मुद्दों की पड़ताल। तीन मोर्चों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा खिसक रहा है, आप देखने जा रहे हैं इसकी गंभीर पड़ताल। और वो कह रहे हैं कि 1992 का इतिहास दोहरा देंगे, मगर क्या देश उस काले इतिहास के लिए तैयार है? न्यूज चक्र में आज की बड़ी पड़ताल, इन तीन तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये नारा किस तरह से बिखर रहा है हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी तस्वीर है प्रधानमंत्री के संकट मोचक अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल जिस पर खुद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हमला कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरी और अहम तस्वीर वो शख्स जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना चाणक्य मानती है, यानी अमित शाह। अमित शाह पर भी कुछ गंभीर आरोप, मगर हर बार की तरह इन तीनों मुद्दों की कोई चर्चा मुख्यधारा की मीडिया में नहीं दिखाई दे रही। तो चलिए आगाज करते हैं पहली तस्वीर के साथ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हिसल ब्लोअर ब्यूरोक्रेट संजीव चतुर्वेदी, वो शख्स जिसने एम्स के अंदर घोटाले को लेकर मुद्दे उठाए थे, यह बात अलग है कि उन्हें हाशिए पर भेज दिया गया था, क्योंकि उस वक्त निशाने पर थे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। उन्होंने एक आरटीआई लगाई और आरटीआई के अंदर उन्होंने क्या जानकारी मांगी है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने यह जानकारी मांगी कि सरकार के अंदर जितने भी मंत्री हैं उनमें से कितनों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आई है। अब आप सोचेंगे कि भाई जिस सरकार के मुखिया का यह नारा हो कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कम से कम वो इस पर मुस्तैदी दिखाएंगे। मगर मुस्तैदी तो बहुत दूर की बात, कि आप जानते हैं कि इस आरटीआई के जवाब में क्या कहा गया है? इस आरटीआई के जवाब में कहा गया है, इसका जवाब देना बेहद बोझिल है, मुश्किल है। पीएमओ यह भी कहता है कि सारे रिकॉर्ड एक जगह पर नहीं होते, बिखर जाते हैं, पता लगाने में वक्त लगता है। तो हमारा सवाल मोदी जी कि क्या ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भी एक जुमला था? हम आपके सामने ये बात इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि मनीष कुमार सिन्हा सीबीआई के डीआईजी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोदी के खास मंत्री, उनके अपने खास मंत्री कोयला और खदान मंत्री हरिभाई पार्थिभाई चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और यह कहा है कि इन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली। यानी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास पर रिश्वत के गंभीर आरोप। यही वजह है कि संजीव चतुर्वेदी का यह आरटीआई मायने रखता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय का जवाब निहायत ही हास्यास्पद और हैरत में डालने वाला भी। और खुद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी ने तल्ख तेवर अपनाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को यह दिशा निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय 2014 से 2017 के बीच सभी मंत्रियों के खिलाफ करप्शन की शिकायतों पर जानकारी मुहैया कराए, मगर सीआईसी के इस दिशा निर्देश के बावजूद, इस आरटीआई के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। ऐसे में उनके उस नारे का क्या हुआ? हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कम से कम पिछले 4 सालों ने इस बात को साबित किया है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की उनके साथ इस सरकार का रवैया पूरी तरह से हॉस्टाइल रहा है, किसी तरह का सहयोग नहीं रहा है। इन तीन तस्वीरों पर गौर कीजिए, संजीव चतुर्वेदी, आलोक वर्मा और अशोक खेमका। संजीव चतुर्वेदी वो शख्स जिसका मैंने जिक्र किया, एम्स के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दे उठाए थे, मगर इन्हें लगातार प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया। दूसरी तरफ अशोक खेमका, कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये अशोक खेमका ही थे जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की जमीन का मुद्दा उठाया था। ये बातें की जा रही थी कि जब मोदी सरकार सत्ता में आएगी तो इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में रखा जाएगा, मगर आज भी अशोक खेमका दर दर भटक रहे हैं, उन्हें लगातार ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ऐसे में
ना खाऊंगा ना खाने दूंगे के क्या मायने हैं। और आलोक वर्मा, ये वो सीबीआई के निदेशक हैं जिन्होंने सीबीआई के अंदर करप्शन का मुद्दा उठाया, राकेश अस्थाना को गिरफ्तार करने वाले थे मगर इन्हें छुट्टी पर भेज दिया जाता है। तो ये है प्रधानमंत्री का मुखौटा नंबर एक, न खाऊंगा न खाने दूंगा, आरटीआई तक का जवाब नहीं। मगर क्या आपने इस खबर की चर्चा किसी न्यूज चैनल पे सुनी? नहीं सुनी। अब बात करते हैं दूसरे मुखौटे की। प्रधानमंत्री के संकट मोचक उन्हें माना जाता है, उनका नाम है अजीत डोभाल। मगर अजीत डोभाल इस वक्त जबरदस्त हमले का सामना कर रहे हैं, किसी और से नहीं बल्कि मनोज कुमार सिन्हा नाम के शख्स से जो कि सीबीआई के अंदर डीआईजी है। इस शख्स ने किसी समाचार पत्र, किसी एजेंसी को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामे में, एक एफिडेविट में यह जानकारी दी है कि किस तरह से राकेश अस्थाना की जांच, उसके करप्शन के मामलों की जांच में अड़ंगा किसी और ने नहीं बल्कि खुद अजीत डोभाल ने डाला था। और जिस तरह से वो तमाम इवेंट्स की जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, वो बहुत दिलचस्प है। वो बताते हैं कि रॉ के विवादित ऑफिसर सामंत गोयल के फोन की टैपिंग हो रही थी, उनके फोन के सर्वेलांस हो रहा था, और इस सर्वेलांस के जरिए यह पता चला कि सामंत गोयल ये किसी को बता रहे थे कि सीबीआई का मामला मैनेज हो गया है। उसके अगले दिन क्या होता है? उसके अगले ही दिन राकेश अस्थाना के खिलाफ जो पूरा भ्रष्टाचार का मामला था वो धराशायी हो जाता है। पूरी टीम को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया जाता है। सिन्हा अपनी तरफ से एक और गंभीर दावा करते हैं, वो ये कहते हैं कि उस वक्त सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा ने 15 तारीख को, जी हां, अक्टूबर 15 को राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस बात की जानकारी उन्होंने अजीत डोभाल को 17 अक्टूबर को दी और याचिका के मुताबिक डोभाल ने एफआईआर की यह जानकारी किसी और को नहीं बल्कि राकेश अस्थाना को दे दी। जी हां, न सिर्फ ये बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि राकेश अस्थाना ने अजीत डोभाल से अपील की थी कि मुझे गिरफ्तारी से बचाइए। अब आपके सामने पूरा का पूरा मामला है। राकेश अस्थाना पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। मगर उससे भी बड़ी चिंता की बात यह कि क्या राकेश अस्थाना और अजीत डोभाल के फोन का सर्वेलांस हुआ था। देखिए, किसी भी अदालत में यह तथ्य के तौर पर या सबूत के तौर पर एडमिसिबल नहीं है, मगर क्या आप देख रहे हैं कि इस वक्त मोदी सरकार में क्या हो रहा है? मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के फोन तक की भी शायद टैपिंग हो रही हो। यही नहीं, रॉ, जिसका काम है हमें बाहरी खतरों से बचाना, वो भी इंटरनल मामलों में उलझ गया है। यानी कि यह दूसरा मुखौटा भी धराशायी होता दिखाई दे रहा है। मुखौटा लगातार खिसक रहा है। जी हां, हम आपके सामने दो चीजों की चर्चा कर चुके हैं और अब तीसरी बात। अमित शाह पर भी बहुत संगीन आरोप लगे हैं मगर इस पर भी पूरी तरह से खामोशी है। आरोप क्या हैं और किसने आरोप लगाए हैं, इसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस के मुख्य जांच अधिकारी, उनका नाम है संदीप तमगड़े, इन्होंने कहीं और नहीं बल्कि सीबीआई कोर्ट को एक बहुत अहम जानकारी दी है। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह, डीजी वंजारा, दिनेश एमएन और राजकुमार पांड्यान जैसे आईपीएस अधिकारी इस मामले, यानी कि तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में मुख्य साजिशकर्ता थे। वो ये भी कह रहे हैं कि सोहराबुद्दीन शेख के साथ ही तुलसीराम प्रजापति की साल 2006 में गुजरात में एक फर्जी एनकाउंटर केस में हत्या हो जाती है। अब आप कहेंगे कि कौन है संदीप तमगड़े? दरअसल संदीप तमगड़े जो हैं वो नागालैंड कैडर के पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने अप्रैल 2012 में इसकी जांच की थी। वो इस पूरे मामले के मुख्य जांच अधिकारी थे। जो बहुत संगीन आरोप यहां पर लगा रहे हैं, वो क्या संगीन आरोप है मैं आपको बताना चाहूंगा। वो कहते हैं कि अमित शाह और राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटेरिया ने सोहराबुद्दीन शेख, तुलसी राम प्रजापति और आजम खान जैसे लोगों का इस्तेमाल कर साल 2004 में नामी बिल्डर्स के यहां हमला कराया। मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा कैडर में
आईजी रैंक के अधिकारी जिनका नाम है अमिताभ ठाकुर, जो कि इस मामले के मुख्य जांच अधिकारी थे, उन्होंने भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट के सामने क्या बात कही है मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि इस एनकाउंटर के पीछे राजनीतिक और अपराधियों का नेक्सस काम कर रहा था, इससे अमित शाह को राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिला था। अमिताभ ठाकुर आगे क्या बताते हैं? अमिताभ ठाकुर यह बताते हैं कि अमित शाह को इस मामले में 70 लाख रुपए मिले थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा, पूर्व एसपी उदयपुर दिनेश एमिन, पूर्व एसपी अहमदाबाद राजकुमार पांड्यान और पूर्व डीसीपी अहमदाबाद अभय चुड़ासामा को भी फायदा हुआ था। मगर हर बार की तरह अमित शाह की किसी भी खबर पर पूरे न्यूज चैनल्स में खामोशी बनी हुई है। कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर यही आरोप राहुल गांधी पर लगते, अरविंद केजरीवाल पर लगते, अखिलेश यादव पर लगते, तब मीडिया में किस तरह का बवाल होता। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मुखौटे पूरी तरह से खुल रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं, और जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस पर आखिरी कील की तरह साबित होगी। आपको याद होगा कि भारत सरकार ने एक उपलब्धि के तौर पर बताया था कि साल 2014 की तुलना में भारत के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। यह कहा गया था कि साल 2014 में यह रैंकिंग 142 थी, जो अब बढ़कर 77 हो गई है। मगर हाफ पोस्ट इंडिया की एक तहकीकात से मामला कुछ और ही सामने उभर कर आ रहा है। हाफ पोस्ट इंडिया की यह तहकीकात क्या कहती है हम आपको बताते हैं। मोदी सरकार ने विश्व बैंक के साथ लॉबी किया ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग को बेहतर किया जा सके। ऐसा नहीं कि माहौल बेहतर हुआ, मगर लॉबिंग हुई। यही नहीं, भारत के लिए बेहतर रैंकिंग के लिए पूरी प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। टू कोट हाफ पोस्ट इंडिया, द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज माइनर इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसीजरल ट्वीक्स to game the ranking system rather than embark on a bold agenda of economic reform as promised. यानी कि प्रक्रिया में धांधली की जा रही है। ऐसा नहीं कि भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये जो बेहतर हुई है रैंकिंग 142 से 77, इसके पीछे एक तरह से सारा दिखावा है, सारा ऑप्टिक्स है। और अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इन दो लोगों की बात का विश्वास जरूर करेंगे। पहला शख्स, इनका नाम है अरविंद मायाराम। अरविंद मायाराम है पूर्व वित्तीय सचिव और अब इन्हें पर्यटन मंत्रालय भेज दिया गया है। ये क्या कह रहे हैं हम आपको बताना चाहेंगे। ये कह रहे हैं, अगर हम अपनी रैंकिंग बेहतर कर रहे हैं तो भारत में निवेश क्यों नहीं आ रहा है। ये वो शख्स है जो कि देश का फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है। दूसरा शख्स, इनका नाम है लवीश भंडारी, इकोनॉमिस्ट हैं। ये कह रहे हैं कि अगर सभी चीजों का पैमाना विश्व बैंक की रैंकिंग ही होगी तब आप सही मायने में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये सारी की सारी कवायद उस इमेज को बनाने की जरूरत है, उसे बदस्तूर बरकरार रखने की जरूरत है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि यह मुखौटा भी तभी बना रहेगा अगर देश में शांति होगी, देश के जो तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो स्थायी होंगे, वो स्टेबल होंगे। मगर हो क्या रहा है जो हम सबको चिंतित करना चाहिए। न्यूज चक्र में हमारी ये दूसरी प्रस्तुति। हमें धमकाया जा रहा है कि 1992 जैसे हालात फिर से पैदा कर दिए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरह का दमखम अयोध्या में दिखाया उसके पीछे का संदेश कहीं ना कहीं यही था। मगर मुझे चिंतित विश्व हिंदू परिषद की धमकी नहीं कर रही है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने तो यह बात बाद में जाकर कही। कुछ दिनों पहले यही बात भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मंत्री राम माधव ने कही थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हुए। क्या कहा था आप खुद सुन लीजिए। बट अगेन सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू अगेन पोस्टपोन इट, मे बी फॉर वैलिड रीजंस ओनली, बट दैट हैज अगेन लेड टू अननेसेसरी एंग्जाइटी among the supporters of the Ram Temple and larger Hindu society. The RSS has only articulated that sentiment. जी हाँ, हमें 1992 की धमकी दी जा रही है। 1992 को क्या हुआ था ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए, इस देश की आम जनता के लिए जिनका अपना परिवार है, जिनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए चिंता की बात क्या है। क्योंकि जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं,
चिंता की बात यह है कि चाहे राज्य हो, दूसरा केंद्र सरकार हो, इन दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। तीसरी बात यह कि मीडिया, जिसका काम है इस तरह के जहर के ऊपर सवाल करना, ऐसे नेताओं के जहरीले बोल पर सवाल करना, वो पूरी तरह से इस वक्त सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ है। आप न्यूज चैनल्स पर डिबेट देखिए, तमाम जो सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं उन पर निगाह डालिए, कोई भी इस तरह के जहरीले बयानों पर सवाल नहीं कर रहा है। और अब आते हैं 1992 पर। 1992 में क्या हुआ था? आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा का आयोजन किया था और यह रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां पर मौत की काली स्याह दिखाई दी। उसके बाद बाबरी गिराया गया, देश में दंगे हुए, मुंबई में दंगे हुए, फिर मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। क्या आप जानते हैं कि इस हिंसा के तांडव में कितने लोग मारे गए? 2500 लोग। और यही नहीं, इसके बाद देश में आतंकवाद का ऐसा सिलसिला शुरू हो गया क्योंकि पाकिस्तान को माकूल माहौल मिल गया और देश में कई जगहों पर स्लीपर सेल्स कायम हो गए। अब आप बताइए, क्या आप इस जहर के साथ हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी असुरक्षा बनी रहे जिसमें आप अपने बच्चों के साथ बाहर निकलें और इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट हों या इस तरह के दंगे हों? तो हमारा सवाल सत्तारूढ़ पक्ष से कि इस तरह का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है और यह माहौल किसके हक में है? कम से कम मेरे बच्चों के हक में तो नहीं है, मेरे बुजुर्ग मां बाप के हक में तो नहीं है। लिहाजा यह सवाल आपको भी करना है, आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यह हिंसा किसके हक में है? और अंत में आपके सामने मैं ये चार नाम पढ़ना चाहूंगा। 24 साल का मनोज मीणा, 22 साल का सत्यनारायण मीणा, 17 साल का ऋतुराज मीणा और 22 साल का अभिषेक मीणा। ये चारों लोग पटरी के सामने आए, रेलवे पटरी के सामने आए और उन्होंने जान देने की कोशिश की। इनमें से तीन लोग मारे गए, एक किसी तरह से बच गया। और जानते हैं वो क्या कह रहे थे? उनका यह कहना था कि हमें नौकरी तो मिलने नहीं वाली है, हम अपने मां बाप पर बोझ नहीं बनेंगे और खेती हमसे नहीं होगी, लिहाजा जान देना ही सही है। अब आप खुद बताइए कि जिस युवा को यह वादा किया गया था कि हम साल में, हर साल में 2 करोड़ की नौकरियां देंगे, आज वो इतना बेबस हो गया है कि वो इस कदर अपनी जान देने को तैयार हो गया है। क्या आप इस मुद्दे पर अपने सरकार से सवाल करेंगे? नहीं करेंगे, मैं जानता हूं नहीं करेंगे। मगर ऐसा मत सोचिए कि देश में अच्छे दिन नहीं आए हैं, अच्छे दिन आए हैं, जरूर आए हैं। आप इस तस्वीर पर तो निगाह डालिए। जैसे कि इस तस्वीर से स्पष्ट है कि साबुन, तेल, टूथपेस्ट, चड्डी, बनियान, इन तमाम विज्ञापनों को पीछे छोड़ते हुए विज्ञापनों में नंबर 1 पायदान पर है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, तमाम न्यूज चैनल्स और तमाम टेलीविजन पर सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स बीजेपी के दिखाई देते हैं। यह बात अलग है, जब नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे, यानी कि गुजरात के सीएम थे, उस वक्त उन्होंने विज्ञापनों पर क्या कहा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अखबारों में या न्यूज चैनल्स पर इस तरह के एड्स देने के बजाय दिल्ली सरकार को यही पैसा बीमा के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए किसानों को देनी चाहिए। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि न्यूज क्लिक में, न्यूज चक्र में पिछले ही हफ्ते हमने आपको बताया था कि बीमा योजना को लेकर कितना बड़ा घोटाला चल रहा है और इस घोटाले के जरिए अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो हाथी के दांत देखने के कुछ और खाने के कुछ और। तो कितने अच्छे दिन चाहते हैं आप? कितना विकास चाहते हैं? विकास हो तो रहा है ना, देश की सत्तारूढ़ पार्टी का ही सही। तो न्यूज चक्र में इसी तरह से आपके मुद्दे हम उठाते रहेंगे, आपको सवाल पूछने का जरिया हम देते रहेंगे और सत्ता के पीछे जो ताकतवर लोग हैं किस तरह से जनता को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं उनके खेल को हम आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।